इस वीडियो के अंदर हम जो बात करेंगे ये हमारे 2024 के बारे में, फॉर्म अप्लाई की डेट क्या है, और इस बार जो 38,000 प्लस वैकेंसी जो पार्लियामेंट के अंदर अनाउंस की गई थी हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा था कि तीन चरणों में ये पेपर होगा और तीन चरणों में ये वैकेंसी कंप्लीट होगी। पहली तो आपको पता है 2023 के अंदर आई थी, पहले उसके अंदर ई एम आर एस के अंदर कुछ दिक्कत आई थी, कोर्ट के अंदर भी चीजें गई, और उसके बाद में फाइनली जो है वो ई एम आर एस का एग्जाम हुआ और 10,000 के आसपास वैकेंसी जो है वो कंप्लीट हुई। अलग अलग चाहे वो प्रिंसिपल हो, हॉस्टल वार्डन हो, चाहे आपकी टीजीटी की हो, पीजीटी या फिर लेबर अटेंडेंट, सभी के लिए जो है वैकेंसी आई थी। और इस बार जो है 2024 की जो वैकेंसी है वो अलग अलग सारे पोस्ट के लिए जो है वो फिर से आ रही है, और इस बार 13,000 यानी 13,000 प्लस वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हमने जो है ये जानकारी जो अभी इकट्ठा की है 95% तक जो बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देने वाली वेबसाइट्स है, जैसे इंडियन एक्सप्रेस, जागरण, दैनिक भास्कर, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज 18, हिंदुस्तान टाइम्स, अमर उजाला, वहां से ली है। इसके अलावा भी मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इस बार तीन नए नियम क्या लागू हो सकते हैं, फॉर्म अप्लाई के साथ साथ में क्या चीजें आपको विशेष तौर पे इस बार ध्यान रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांड थी कि हमें इस बार ईएमआरएस के एग्जाम को हर हाल में क्रैक करना है, हम कुछ स्टूडेंट जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे है, बिल्कुल जीरो लेवल पे है, टेलीग्राम, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से आप बोल रहे थे, तो यहां पर मैं आपको बता दूं क्लियरली हमने जो कोर्स आप सभी के लिए बनाया है इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर हुए थे 2023 वाले वो सारे विथ आंसर विथ सॉल्यूशन डाल दिए और पूरा एग्जाम का एनालिसिस डाला है। पिछली बार ईएमआरएस के अंदर क्या एग्जाम पैटर्न था, कैसे क्वेश्चन आए थे, वो इसमें मिलेंगे, और हम जो आपको मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो ईएमआर के बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार डिजाइंड है, ठीक है। किसी पीटी पुरानी किताबों में से मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं हमने, बिल्कुल प्रीवियस ईयर को फॉलो करते हुए मॉक टेस्ट डिजाइन किए हैं। 100 ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स हम इसलिए ले आए हैं ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको लंबे पैराग्राफ याद नहीं होते हैं, सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, वो इसके माध्यम से अच्छे से तैयारी कर सके, और सबसे महत्वपूर्ण जिन स्टूडेंट्स को मन में डाउट था ना का ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के प्रश्न हमें कहां से मिलेंगे, वो प्रश्न जो ईएमआरएस के अंदर बार बार रिपीट हुए, बार बार पूछे गए, उसकी 170 पेज की पीडीएफ भी हमने डाल दिया है और हैंड रिटन फॉर्मूला भी। तो ये जो है वो ईएमआरएस का कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप अभी लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ 99 में दे रहे हैं। सारी फाइल जितनी मैंने अभी आपको बताई है कंप्लीट फाइल्स आपको मिल जाएगी ओनली और ओनली 99 के अंदर। और जो इसको लेने का प्रोसेस है वो एकदम सिंपल है, आप सीधा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे और वहां पर ईएमआरएस लिखकर मैसेज करेंगे, ठीक है। अब व्हाट्सएप की लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो है ही है, आप लिंक पर क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे जा सकते हो, या फिर आपको जो अभी स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं 911 913 9429, यहां से भी सीधा आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर पाओगे। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हुए चलेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे ईएमआरएस वैकेंसी के फॉर्म अप्लाई के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, आवेदन के बारे में। तो देखिए ईएमआरएस का फॉर्म जो है वो निश्चित तौर पे सितंबर महीने में भरे जाने को लेकर सबसे ज्यादा हाई चांसेस है। इसके पीछे कई सारे कारण अभी जो है हमने न्यूज आर्टिकल्स के माध्यम से, न्यूज कटिंग्स के माध्यम से, और कई सारी वेबसाइट जो मैंने वीडियो को शुरू में बताई, इसके अलावा ट्विटर हैंडल्स है बहुत सारे ऐसे जो ऑथेंटिक जानकारी देते हैं, और जो टॉप के यूट्यूबर जो ईएमआरएस 2023 के अंदर भी ईएमआरएस की तैयारी करवाते स्टूडेंट्स, वहां से भी हमने जो है उन सर से भी कॉन्टेक्ट करके ये चीजें निकाली है। तो बिल्कुल आप निश्चित हो जाइए सितंबर महीने में आपके ईएमआरएस वैकेंसी के फॉर्म भरने के लेकर सबसे ज्यादा हाई चांसेस है। रही बात वैकेंसी की, तो 13,000 वैकेंसी मैंने आपको पहले ही बताया, 10,000 के आसपास पहले वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद में अलग अलग चाहे वो पीजीटी के हो, हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग जितने भी है आपके प्रिंसिपल वगैरह सबके अलग अलग जो लेबर अटेंडेंट की भी हो गई, उन सब पे आपको अलग अलग पद जो है वो बढ़ते हुए या फिर वो आपको दिख जाएंगे, यानी 13,000 के आसपास हम मान के चल सकते इस बार वैकेंसी हमारी सेकंड चरण के अंदर रहने वाली है। अब रही बात इस ईएमआरएस के अंदर क्या नए नियम जो है वो 2024 के अंदर लागू होंगे, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। एक तो देखिए ड्रेस कोड को लेकर पहले भी पिछली बार भी कई सारे स्टूडेंट जो है उनको बहुत दिक्कत हुई थी, जो आपको एडमिट कार्ड के अंदर रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ही आपको चीजें फॉलो करनी है और वही चीजें आपको पहन के जानी है, वो गलती आप मत करना। दूसरा आपको एक चीज निश्चित तौर पे ध्यान रखनी है कि 10 बजे भले ही आपका पेपर शुरू हो रहा है, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं 10 बजे, उससे पहले एक घंटे पहले ही गेट बंद हो जाएगा, तो आप जो एंट्री आपकी करनी है एग्जाम सिटी सेंटर के अंदर
वो आपको पहले ही निश्चित करनी होगी, यानी टाइम 1 घंटे पहले ही आपको वहां पर एंटर करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, पिछली बार भी कई स्टूडेंट्स ने ये गलती की थी और आखिरकार में वो परीक्षा से वंचित तक हो गए थे। ठीक है, तीसरा एक चीज आपको ध्यान रखना है, हालांकि वो आपके हाथ में नहीं है, आपको परीक्षा सिटी सेंटर जो है वो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर प्रोवाइड किया जाए, इसको लेकर भी काफी सारी चर्चाएं अभी देखने को मिल रही है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स है उनके लिए 2024 के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म जो है आपके सेप्टेंबर में होंगे और एग्जाम जो है वो निश्चित तौर पर 3 महीने के बाद में ही एग्जाम होंगे। पिछली बार एग्जाम लेट क्यों हुए थे उसके पीछे आप सभी जानते हो, कोर्ट का जो मामला आ गया था, कोर्ट की वजह से वो एग्जाम के अंदर डिले हुआ था। पहले जो है वो कोर्ट के अंदर गया, फिर कोर्ट ने 2-3 हायरिंग की और उसके बाद में जो है लास्ट में अपना नतीजा सुनाया, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ था। लेकिन इस बार 3 महीने के अंदर ही एग्जाम हो जाएगा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में। तो अब आपको करना क्या है, आपको निश्चित सुनिश्चित करना है कि आपके पास क्या ये चीजें हैं, या कोई बुक्स ऐसी है जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही है, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर तो हो ही हो जो कि विथ आंसर विथ सॉल्यूशन हो और एग्जाम का एनालिसिस भी हो, क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पिछली बार आए। ठीक है, उसके अंदर मॉक टेस्ट भी होने चाहिए जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक एंड टिप्स के नोट्स आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि लंबा पैराग्राफ्स है उनको याद नहीं होता है, बहुत बड़ा सिलेबस है, कम समय में कवर होना मुश्किल है, तो उसके लिए नोट्स चाहिए आपको। और जो ऑल टाइम रिपीटेड वन लाइनर के क्वेश्चन है जो 2023 के अंदर प्रश्न बार बार रिपीट हुए थे, परीक्षा में बार बार पूछे गए थे, वो होने चाहिए और हैंड रिटन फॉर्मूला होना चाहिए। ये चीजें अगर आपके पास किसी बुक्स में है तो बहुत ही बढ़िया, जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं बता दूं सिर्फ और सिर्फ 99 के अंदर हम आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रही है। और जो ऑफर है वो सिर्फ 2 दिन के लिए है, उसके बाद में इसकी प्राइस चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सीधा हमारे व्हाट्सएप के ऊपर जाना है और वहां पर जाकर EMRS लिखकर मैसेज कर देना है। अब व्हाट्सएप के जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, 911-913-3429। इसके अलावा व्हाट्सएप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अब एक नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।